वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सीबीएसई की 10th और 12th की जो डेट शीट है वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन डेट फिक्स हो चुकी है कि इनके एग्ज़ाम जो हैं वो 4 मई से 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, और रिज़ल्ट जो हैं वो बोला गया है कि जुलाई के मंथ तक आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके साथ यार सैम्पल पेपर है जो साइंस का, ये डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th का, जिससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस टाइप का होता है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, सेक्शन ए जो है उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। जैसे यहाँ पर दिया गया है, व्हाट आर कैटाइंस एंड एनाइंस, कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं? आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उन्हें आप कैटाइंस बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें आप एनाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक कैरियर होता है जिससे बोलते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन मिलती है पेरेंट्स से जाती है कहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन बच्चों में, बच्चों से उनके आगे बच्चों में, ये चलती रहती है। ये हेरिडिटरी मटीरियल जो होता है ये सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देना है आपको डेली लाइफ से, जहाँ पर जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको आप इफेक्टली रीयूज़ और रिसाइकल कर सकते हो। आप हम कैसे कर सकते हैं रीयूज़? वी कैन रीयूज़ द एम्प्टी बॉटल ऑफ जैम जो है पिकल्स की कहाँ स्टोरेज करने के लिए, और हम रिसाइकल कर सकते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर, एल्युमिनियम के कैंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई आर द फॉरेस्ट कंसीडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दिस टू वेज इन विच एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टली टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको बताना है कि फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्यों कहा जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है, ऐसे कोई दो वे बताना है जिससे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में। तो बायोडाइवर्सिटी जो है जिसे मेजर करते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो वहाँ पर फाउंड की जाती है एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर। फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की स्पेशीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, फॉन्स, प्लांट्स, नेमोसाइटेट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल, ये सब वहाँ पे आपको मिलते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, अवॉइड करके कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, और एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन अवर लाइफ, की क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की हमारी लाइफ में। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, इन एरिया ए है कोई लीफ मटेरियल अवेलेबल है बीटल्स के लिए, वो बहुत ही कम है, लेस है। तो आपको दो कंसीक्वेंसेस कंडीशन बतानी है बीटल्स के लिए। दो कंसीक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, दे स्विच्ड न्यू टाइप ऑफ फूड एंड एंटर न्यू निकल्स। हो सकता है कि वो नए टाइप की फूड की शायद नए टाइप की जो निकल्स होती है वहाँ पे वो एंटर हो गए हों, नए टाइप के फूड की स्विच हो गए हों। दे लीड टू अराइज अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ बीटल्स एज सम चेंजेस इन बीटल्स विल टेक प्लेस टू मेक दैम अडेप्टेबल टू न्यू निकल्स। तो ये हो सकता है कि इसके साथ क्या है चेंजेस आए, डाइवर्स वेराइटी जो है बीटल्स की वो चेंज हो जाए, मतलब नई वेराइटी हो जाए, ताकि बीटल्स में ये चेंज आए कि वो अडेप्ट कर सके वहाँ के न्यू निकल्स को, वहाँ के वातावरण को, कि जो कंडीशन वहाँ पर है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है, करके मिरर है जहाँ जिसकी फोकल लेंथ है एफ, वो फॉर्म बना रही है मैग्नीफाइड इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज किसकी ऑब्जेक्ट की जो उसके फ्रंट में खड़ा है। ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मिरर का केस है, एफ आपको फोकल लेंथ दी है और वहाँ पर जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाइड भी है, इरेक्ट भी है और इन्वर्टेड भी है, और ऑब्जेक्ट जो है उसके फ्रंट में प्लेस है। तो आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ये बता के पोजिशन किसकी ऑब्जेक्ट की, किसके अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग, और इन केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस किसके बारे में, उस केस में जब इसकी इमेजेस आपको मिलेंगी। तो ऐसे 2 केसेस होते हैं जिसमें जो इमेज है वो आपकी मैग्नीफाइड भी हो, इरेक्ट भी हो और इन्वर्टेड भी हो, कटके मिरर के केस में। तो वो कब होते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, फोकस में, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, और एक जब ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। ये इमेज देखिए यहाँ पर बन रही है, ये मैंने आपको सारा अपने लास्ट डायग्राम में बताया हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी चैप्टर लाइफ में से। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बतानी है मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बीच में केमिकली, और आपको एक्सप्लेन करना है क्लिनसिंग एक्शन किसका, सोप्स का।
तो आपको पता है डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम साल्ट की लॉन्ग चेन होते हैं, किसकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स की। और जो सोप्स होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं और उनकी लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, और उनका क्लीनिंग एक्शन किस में होता है, वाटर में होता है। एग्जाम्पल दिया सोडियम स्टीरिट, ये भी एक टाइप का सोप है। अब इनका जो क्लींसिंग एक्शन है सोप का, एक सोप मॉलिक्यूल किसका बना होता है, दो डिसिमिलर पार्ट, सिमिलर नहीं डिसिमिलर, डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है। एक में क्या होता है, शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है जिसमें कार्बोक्सिलेट साल्ट होता है और वो वाटर सॉल्युबल होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफोबिक लिपिड होता है आपको पता होता है दोनों की डेफिनेशन के बारे में, एक वाटर लविंग है, एक वाटर मतलब एक पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, एक पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो इसीलिए अगर ये वाले जो कार्बोक्सिलेट साल्ट वाला सोप है तो ये वाटर सॉल्युबल है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन वाला है ये हाइड्रोफोबिक है, मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जब सोप जो होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में तो ये बनाता है, ये बनाता है कोलाइडल सस्पेंशन बनाता है। तो इस कोलाइडल सस्पेंशन में जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लस्टर जुड़ जाते हैं और बनाते हैं माइसल्स। ठीक है, और मेन रेडियली और लगातार वो सस्पेंड रहते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, और साथ में हाइड्रोकार्बन एंड होता है तो किसके टूवर्ड्स द सेंटर, और आयनिक एंड कहाँ पर होता है, डायरेक्टेड आउटवर्ड। जो डर्ट पार्टिकल हैं वो ऑलवेज कहाँ पर होते हैं, ऑयली जो ग्रीजी लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है किस, कहाँ पर, स्किन और क्लॉथ पे। तो जब डर्टी क्लॉथ जो होता है वो डिप होता है सोप के सोल्यूशन में, तो जो उसकी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो एंड होगा माइसल्स का वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, ग्रीस में ऑयल के साथ जो प्रेजेंट है डर्ट में, और पोलर एंड कहाँ रहेंगे, वाटर की लेयर में ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो मैकेनिकल एक्शन होता है रब करने का वो डिसलॉक्स कर देता है ऑयली लेयर को कहाँ से, डर्टी सरफेस से, और उसको किस शेप में, स्मॉल ग्लोबल्स की शेप में ले आता है, और स्टेबल इमल्शन जो होती है ऑयल की वो फॉर्म बनती है। इमल्सीफायर ऑयल जहाँ ग्रीस ग्लोबल्स जो होते हैं वो उन्होंने ही वेयर किया होता है डर्ट को, अब वो वॉश हो गए हैं किसके साथ, वॉश हो जाते हैं वाटर के साथ। तो इस तरह से ये क्लींसिंग एक्शन होता है सोप्स का। तो नेक्स्ट आपका एट है, जब आप 1 ml इथेनॉल लोगे और 1 ml ही इथेनॉइक एसिड लोगे साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में, तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, आपको कंपाउंड का नाम बताना है, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देनी है इस रिएक्शन के लिए। अब हम उस रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलेंगे, जब ये बैक फिर से बैक क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जो कहाँ पे यूज़ होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे ये है आपका इथेनॉइक एसिड CH3COOH प्लस आपका था इथेनॉल, ठीक है, CH2CH3OH, ये आपका है दोनों का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, और ये आपका बना इथाइल एसीटेट, ये स्वीट स्मेलिंग गैस तो बनती है आपकी, ये इथाइल एसीटेट है, साथ में रिलीज हुआ आपका वाटर। और जो उन्होंने पूछा था कि रिवर्स रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, वो होगा आपका सपोनिफिकेशन। रिवर्स रिएक्शन जो इसकी होगी उसे आप क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन, ये आपने किया हुआ है चैप्टर में। अब जहाँ पे आपका जो 9th क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि ग्रुप बैलेंसी जो होती है एलिमेंट्स की, उस पर उनके बेसिस पे आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और जस्टिफिकेशन देनी है इन सभी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 30, और कंपाउंड्स फॉर्म व्हेन एलिमेंट जो होंगे ग्रुप 2 के वो कंबाइन करेंगे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपको पता है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो होती है 1। ठीक है, और वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की 2। तो जो ऑक्साइड होंगे ग्रुप 1 एंड के एलिमेंट के, इनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा M20। ठीक, एम जो आपका है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा और ओ जो होगा ऑक्सीजन, ऑक्साइड जो होंगे उनका फॉर्मूला ये आएगा। नेक्स्ट आपका वैलेंसी 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की वो होगी 3। एक्चुअली आपको पता है 13 है वहाँ पे, तो आप जो उसको करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी, तो 2, 8 और 3। ठीक है, 2, 8 और 3, तो यहाँ पे लास्ट में जो 3 बच रहे थे उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे वैलेंसी जो है 13 ग्रुप की 3 है, और हैलोजन्स, क्योंकि हैलाइड्स बना रहे हैं ना, हैलोजन्स की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, हैलोजन्स आपको पता होंगे क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह जो होते हैं ब्रोमीन, ये आपके हैलोजन्स में आते हैं,
और जो हैलाइड्स एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स के उनके लिए जो फॉर्मूला आएगा एम इंटू एक्स, एम जो होगा वो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा और एक्स जो होगा वो आपका हैलोजन होगा। वैलेंसी जो ग्रुप 2 एलिमेंट के लिए है 2 और 16 एलिमेंट के लिए है 6, ग्रुप 16 के। तो जब आप इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे तो इनके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका एम इंटू एन, एम जो होगा ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा और एन जो होगा ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, रवि रीड करता है फॉर्मेशन किसकी कोवलेंट बॉन्ड्स की और उसे पता चलता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है रिक्वायर होती है अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होगा। तो कार्बन कैन नॉट गेन, और वो कार्बन गेन भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि S6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता ईजली, तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है होगी। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये तो सो इजी है आपको सभी को पता है। और उसके बाद आपको बताना है कि कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, आपको दो सजेशन देनी है। सबसे फर्स्ट पार्ट के लिए एटॉमिक नंबर आपको पता है कार्बन का 6 होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। अब कार्बन क्या बनाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड किसके कारण, कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर आयन्स नहीं होते ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो कंडक्ट कर सकें क्या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस टर्न विद गार्डन पी प्लांट्स, ये आपका बायो का क्वेश्चन आ गया है। आपको पता है कि जब इसमें क्रॉस कराते हैं गार्डन के पी प्लांट्स में तो आपको क्या करना है, वर्क टर्न बाय मेंडल, जो काम किया गया है मेंडल ने टाल और शॉर्ट प्लांट को अराइव करने में एट अराइव एट 3:1 के रेशियो में इन F2 में। ठीक है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दी गई है, इसकी हेल्प से आपने ये वर्क टर्न बताना है इसका मेंडल का कि उन्होंने क्या किया है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम आपने की हुई है चैप्टर में, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी वहाँ से आप इसका कर देना। नेक्स्ट आप 12th क्वेश्चन है कि जीनोटाइप जो है ग्रीन स्टेम टमाटो प्लांट्स का उसे डिनोट करते हैं GG से और पर्पल स्टेम टमाटो प्लांट्स का small GG से। तो वैन जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो कलर जो स्टेम का क्या होगा F1 प्रोग्नी में। ठीक है, और परसेंटेज बतानी है पर्पल स्टेम प्लांट की F1 प्लांट्स में जब वो सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, और क्या रेशियो होगा फाइंड करेंगे, किस रेशियो में आप फाइंड करेंगे ग्रीन और पर्पल कलर जो होंगे वो F1 प्रोग्नी में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा कलर उन्होंने पूछा था कि एक्सपेक्ट कर सकते हो F1 प्रोग्नी में, वो आपका ग्रीन कलर फॉर्म होगा। परसेंटेज पूछी थी वो आपकी 25% है, और कौन से रेशियो में होगा आपका 3:1 रेशियो में। 13 क्वेश्चन है आपका, गिव द एविडेंस दैट द बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, आपको एक कोई एविडेंस बताना है कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, रेप्टाइल्स से आए हैं, इंसेक्ट्स ऑक्टोपस प्लैनरिया और वर्टिब्रेट्स उनकी आईज होती हैं, कैन वी ग्रुप, क्या हम ग्रुप कर सकते हैं इन एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इनके आईज के, इनको हम ग्रुप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर के रीज़न को। ठीक है, तो ए पार्ट के लिए आपको जो एविडेंस देना है, आपको पता है फॉसिल जो प्रोवाइड होते हैं वो एविडेंस के लिए जो एवोल्यूशन के उसमें फॉसिल वर्ल्ड को क्या कहते हैं, आर्कियोप्रैटिक्स। ठीक है, जो लीव कहाँ पे रहते थे, इन द लेट जुरासिक पीरियड अराउंड 148 से 150 मिलियन ईयर पहले, तो उनकी फैदर्ड विंग्स होती थी बर्ड्स की तरह, वो लॉन्ग बोनी टेल्स भी थी, जॉस भी थे, शार्प टीथ थे और वो सारे स्केलेटल फीचर्स थे जैसे कि रेप्टाइल्स की होते हैं, इसीलिए आर्कियोपैट्रिक्स को कंसीडर किया जाता है कि उनका लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। कुछ जो डायनासोर थे उनके फैदर्स थे और हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि इंसुलेशन कोल्ड वेदर। ठीक है, कुछ डायनासोर्स के फैदर्स होते थे जो उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे कोल्ड वेदर में, और वो दे कुड नॉट फ्लाई, लेकिन वो उन फैदर्स के साथ उड़ते नहीं थे। बर्ड्स सीम टू हैव लेटर यूज फैदर टू फ्लाई, बाद में बर्ड्स ही ऐसे दिखे हैं
कि जो उड़ते थे अपने फैदर से, और इसीलिए कहा जाता है कि वर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड किसके साथ हैं, रेप्टाइल्स के साथ, क्योंकि डायनासोर भी रेप्टाइल्स ही थे, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि वर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, कि आपको ये सबूत मिल गया इसके लिए। नेक्स्ट था आपका कि क्या आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। जब हम इनके ग्रुप बनाएंगे तो हमें ज़रूरत होगी डिसाइड करने की करेक्टरिस्टिक जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट के अकाउंट किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो करेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमें एक अकाउंट देते हैं ब्रॉडेस्ट डिवीज़न अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि वो इंडिपेंडेंट हैं किसी अदर करेक्टरिस्टिक से, या उनके इफेक्ट जो हैं फॉर्म्स और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे सेलिनिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेचर ऑफ सेल, ये सब आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक में डिपेंड करते हैं। जैसे इंसेक्ट, ऑक्टोपस और प्लैनेरिया की बात कर रहे हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इन्हें हम ग्रुप नहीं कर सकते वर्टिब्रेट्स के साथ, क्योंकि इनके अंदर लैग है इंटरनल स्केलेटन की, मीन्स बैकबोन की। ठीक है, इनके अंदर बैकबोन नहीं है, तो इसलिए ऑल ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट फाइला। ये अलग ग्रुप में, फाइला में बिलोंग करेंगे किसके बेसिस पे, क्योंकि इनमें एक डिफरेंस आ गई करेक्टरिस्टिक की जो इनके अंदर प्रदर्स है, इसलिए बेसिस ऑफ एक करेक्टरिस्टिक केस की सिर्फ इनमें आइस हैं, इन्हें हम ग्रुप नहीं कर सकते वर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स को एक साथ ग्रुप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है कि क्रॉस बनाया गया है प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स के विथ राउंड और ग्रीन सीड्स एंड द दूसरे कौन से रिंकल्ड और येलो सीड्स के बीच में। तो आपको बताना है राइट द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोगेनी, आपको रीज़न भी देना है अपने आंसर का, और डिफरेंट टाइप ऑफ F2 प्रोगेनी के बारे में बताना है जो ऑब्टेन होंगे रेशियो के बाद, जब F1 प्रोगेनी जो होगी वो सेल्फ्ड होगी, खुद होगी। तो यहाँ पे जो क्रॉस बना है बिटवीन राउंड ग्रीन सीड्स और रिंकल येलो सीड्स के बीच में, तो इन गिवन क्रॉस में दो ट्रेड्स जो हैं वो ध्यान में लेने हैं, अकाउंट में लेने हैं, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, येलो कलर और राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन कलर और रिंकल शेप के। यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग बताई गई है, ये है पेरेंट्स राउंड येलो रिंकल ग्रीन। ठीक है, कैमेट चाहे यहाँ से आर आ गए, यहाँ पे से पाई आ गए कैपिटल में, ये आपको पता है ये कैसे करनी है इनकी क्रॉसिंग, यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई जब ये हुए कंबाइन तो आपकी बन गई F1 जनरेशन RRY5। तो अब वो क्रॉस शो कर रहा हमें राउंड और येलो सीड्स कहाँ पे, F1 जनरेशन में, और ये क्यों ओकर है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड्स थे वो अब खुद ब खुद इनमें एक्सप्रेस हो गए, जबकि रिसेसिव ट्रेड्स जो थे रिंकल और ग्रीन वाले वो सप्रेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी पार्ट जो पूछा था जी कि ये हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें क्या होगा, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दी गई। तो आपको पता है कि इनकी क्रॉसिंग कैसे करानी है, ये है फिर पी जनरेशन, तो इसमें ये तो हमने पीछे भी किया है, राउंड येलो में क्या आएगा RR कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और 100% राउंड येलो बनेंगे वो। ये देखिए यहाँ पर ये टेबल देखिए, इस तरह से आपने इसकी क्रॉसिंग करनी है RR कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जब हम उनकी क्रॉसिंग करेंगे ये आपका टेबल बनेगा। ठीक है, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल ग्रीन, ये आपका फिनोटाइप शो कर रहा है। ये टेबल ऑलरेडी अपने चैप्टर में किया हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है, टर्म आपको मैग्नीफिकेशन बतानी है, डिफाइन करनी है, फार्मूला बताना है मैग्नीफिकेशन का मिरर के केस में, वो सिंबल जो यूज़ होती है फार्मूला में वो भी एक्सप्लेन करनी है। मैग्नीफिकेशन नेक्स्ट आपको पार्ट है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रही कन्वेक्स लेंस से वो -2 है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, और इन्फॉर्मेशन भी बताइए जो इमेज ऑब्टेन होगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को आपको पता है मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ हाइट टू द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एम मिरर के केस में जैसे ये बताया है, ये लिखते हो H1/H। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपकी इमेज की जो डिस्टेंस ली डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में, -V/U। ठीक है, एम आपका मैग्नीफिकेशन होता है, एच आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, और H1 आपकी हाइट है इमेज की, वी आपकी डिस्टेंस है इमेज की, और यू आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो कि उसने बोला था कि जो भी टर्म बीच में यूज़ हो रही हैं आपने उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रही है कन्वेक्स लेंस से वो -2 है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2 times किसकी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड है, वो इन फ्रंट ऑफ लेंस है। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है। 16 क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस
अगर आपकी पावर ऑफ लेंस अगर प्लस 2.0 डायप्टर है तो आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस की इन मीटर में, और नेम द काइंड ऑफ इस लेंस के काइंड के बारे में बताना है, और हेल्प ऑफ फिगर के साथ आपको ये बताना है कि जो ये लेंस है ये कन्वर्ज और डाइवर्ज होती है विद द बीम ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट रे, ठीक है, इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर ऑफ, और इट इज़ द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। एबिलिटी जो होती है लेंस की कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, किसको? बीम ऑफ लाइट को, उसे ही हम पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और ये इनवर्स होती है फोकल लेंथ का। तो इसलिए पावर ऑफ लेंस जो है वो हमें इस रिलेशन से फाइंड हो जाती है, पी इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, और फोकल लेंथ हम किस में लेंगे? मीटर्स में, मीटर में बोला गया था। और कन्वेक्स लेंस का केस जो बताया गया था कि हमें शो करना है कि डाइवर्ज हो रही हैं या कन्वर्ज हो रही हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी, आपकी लेंस रखी हुई है यहाँ पे, और ये रेज आ रही हैं यहाँ पे आके, ये कन्वर्ज हो रही हैं, उसके बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, ये बताया गया था। नेक्स्ट आपका है 17 क्वेश्चन, स्टार सीम्स हाईली देन दे एक्चुअली आर। स्टार जो हैं वो हमें बड़े दिखते हैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, इमेज इतने वो होते नहीं जितने वो दिखते हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना, अपने जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। और स्काई जो है वो पैसेंजर जो फ्लाई करते हैं हाई एटीट्यूड पे तो उनको डार्क लगती है, ये स्टेटमेंट देनी है आपको, रीज़न देने हैं इनके बारे में। आपको पता है लाइट जो आती है स्टार से वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सपोज हमें यही लगता है कि वो सीधी आ रही है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो हर जगह सेम नहीं होता, क्योंकि वो हॉट एयर में अलग होता है, कोल्ड एयर में अलग होता है, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन हो गई यहाँ पे। तो इस केस में जो स्टार लाइट है वो कंटिन्यूसली ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इसलिए वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये कंटिन्यूस बेंडिंग जो होती है स्टार लाइट की टुवर्ड्स नॉर्मल जो है, उस वो किसका रिजल्ट होता है? राइज ऑफ द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, वो अपनी पोजीशन से बड़ा दिखता है। ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट आपके वी पार्ट में बताया गया है कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो क्यों होती है, क्योंकि जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, अब हाई एटीट्यूड जब आल्टीट्यूड पे जब जाते हैं जो भी पैसेंजर्स, तो वहाँ पे एब्जेंस होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं होगी, इसलिए स्काई क्या पेयर होती है? डार्क होती है पैसेंजर जो फ्लाई करते हैं हाई आल्टीट्यूड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन है, इसमें आपने डिफाइन करना है एंगल ऑफ डिविएशन, और क्यों अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वाइट लाइट के वो स्प्लिट हो जाते हैं स्पेक्ट्रम में जब वो पास करते हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में। आपको एंगल ऑफ डिविएशन बताना है रेड कलर के लिए जब वाइट लाइट पास होती है कहाँ से? प्रिज्म से। तो जो एंगल होता है आपको पता है इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में, से आप एंगल ऑफ डिविएशन करते हो, और ये क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर जो है वो ट्रेवल करते हैं ग्लास प्रिज्म से अलग अलग स्पीड से, तो यही इसका रीज़न है। ये आपको डायग्राम में ऑलरेडी की हुई है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट में, या वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 19 क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट, हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं? व्हाट आर द टू क्राइटेरिया यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कौन से दो क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं? और आपको पोजिशन बतानी है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, और मेटलॉइड्स की पीरियोडिक टेबल में। स्टडी करने के लिए प्रॉपर्टीज़ किसकी? एलिमेंट्स की, और कीप करने के लिए एलिमेंट्स को रखने के लिए जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं साथ में, तो आपको क्या देखना पड़ता है? केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की भी देखनी पड़ती है, एटॉमिक नंबर भी देखना पड़ता है। जो मेटलाइट करते हैं लेफ्ट में, ठीक है, मेटलाइट्स जो हैं मिडिल में, नॉन मेटल्स कहाँ पर? राइट साइड में। और ये कहाँ पर रख सकते हो? सेम स्लॉट में भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पूछा गया था ना मेटल्स कहाँ पे होंगे, मेटलाइट्स कहाँ पे होंगे, नॉन मेटल्स कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये आपका था। नेक्स्ट आपका है 20 क्वेश्चन, आपको डायग्राम शो बतानी है जिसमें होती है जर्मिनेशन किसकी? पोलन की, कहाँ पे? स्टिग्मा पे, फ्लावर पे। लेबल पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल्स, पोलन ट्यूब फीमेल जर्म सेल इस डायग्राम में, और फर्टिलाइजेशन जो होती है प्लांट्स में उसे भी आपने डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये फ्लावर की डायग्राम बनानी है, ये आपने ऑलरेडी की हुई होती है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स जो आपको पता है सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉलोइंग क्रॉस, ये आपको क्रॉस नीचे बताए गए हैं, उनमें कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट होंगे, उनके नाम भी बताने हैं,
और आइडेंटिफाई करने हैं डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। आपको ये बताना है कि कौन सी क्या इंफॉर्मेशन सोर्स होगी में बनाने की प्रोटीन की सेल में, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना आपको जो चेंज हो जाता है चेंज इट्स सेक्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम में। ठीक है, वो अपनी सेक्स चेंज कर देता है अपनी लाइफ टाइम में। तो इसके लिए आपको कौन सा आंसर, दो करेक्टर होते हैं, दे आर शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, राउंड शेप येलो कलर ऑफ सीड आर ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और रिंकल शेप ग्रीन कलर जो होते हैं सीड के ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सेकंड पार्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि प्रोटीन्स जो बनते हैं सेल से, वो है सेलुलर डीएनए। ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेक्स चेंज कर देता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दैट इज स्नेल। नेक्स्ट जो है आपका 22 क्वेश्चन है, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने हैं और एक्सप्लेन करनी है टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, और एक्सप्रेशन बतानी है जो रिलेशन बताएगी स्पीड ऑफ लाइट के किसके, वैक्यूम में। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दो मीडियम के दिए गए हैं आपको, अगर स्पीड जो है लाइट की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो आपको स्पीड बतानी है लाइट की वैक्यूम में और मीडियम ए में। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आपको ऑलरेडी पता है कौन से, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे और सारे कहाँ पे लाइक करते हैं, सेम प्लेन में, चाहे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में गिवन होते हैं आपको, और जो रेशियो होता है साइज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का किसके साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है किसके लिए, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर और गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मैथमेटिकली आपको ये पता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है आपका, और जो कॉन्स्टेंट एन होता है यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम जो इंडेक्स होता है मीडियम का वो गिवन कैसे होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो गिवन आपको दिया हुआ था स्पीड ऑफ लाइट इन दो मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम बी में आपको ऑलरेडी दी गई है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी पुट कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी दी गई है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में निकल जाएगा, या आगे इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको निकालनी थी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम ए। ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। अब आपको ये तो ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है यहाँ पे, ये आपकी आ गई, यहाँ से क्रॉस सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं मैथमेटिकली सॉल्व इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, डिस्क्राइब करनी है आपको एक्टिविटी एक लेबल डायग्राम के साथ, और फिनोमेना बताना है डिस्पर्शन का थ्रू ए प्रिज्म, और आपको एक एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वो भी विद द हेल्प ऑफ ए फिगर। ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मार्किंग स्कीम साथ साथ में दी गई है, आपने जगह जगह देखे होंगे नंबर लिखे होते हैं जैसे यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है, लेबल डायग्राम को डिस्क्राइब करना है किसकी, डिस्पर्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी पूछी गई है तो आप एक्टिविटी खुद लिख सकते हैं, क्लियर से प्रिज्म माने व्हाइट शीट ऑफ पेपर ट्राइंगुलर फेस जो हो फेस को रखना शीट के ऊपर, उसकी बाउंड्री लाइन बना लीजिए ए बी सी, दो फिक्स कीजिए पॉइंट टी और एस कोई भी एक साइड पे, प्लेस कीजिए बाउंड्री प्रिज्म को बाउंड्री ए बी सी में, और लुक कीजिए दूसरी साइड से। ठीक है, और उसकी इमेज देखनी है हमें डी और एस की क्यू और आर, सपोज कीजिए कि उसकी इमेज आ रही है, अब रिमूव कर दीजिए, फिर अपने उस क्यू और आर पे भी पिंस लगानी है। ये मैं अपने आपको एक्टिविटी वैसे भी बताई हुई है स्लैब के थ्रू जब हम कर रहे थे रिफ्रैक्शन का, सेम ऐसा ही थोड़ा सा करना है, रिमूव कर दीजिए पिन, उनकी पोजीशन को मार्क कर दीजिए, उसके बाद ज्वाइन करना है टी एस आर क्यू को और एक्सटेंड करना है ताकि वो मीट करें पी और ओ पे, फेसेस ऑफ प्रिज्म पे। ठीक है, तो ज्वाइन कर दीजिए पी ओ को, यहाँ पे टी पी आपका रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंट रे, पी ओ रिप्रेजेंट करेगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, क्यू आर आपका रिप्रेजेंट करेगा इमरजेंट रे जो बेंट हो रही है टुवर्ड्स स्पेस, पी एन और ओ एन जो है नॉर्मल होंगे पॉइंट पी और ओ पे, और लेट करना सेम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट है वी विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे जो है टी पी वो एक्सटेंड होगी फॉरवर्ड और इमरजेंट रे होगी एक्सटेंड बैकवर्ड, तो वो कौन से पॉइंट पे मिलेगी, एम पॉइंट पे जो एंगल बनाएंगी आपका ओ एम एल। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, ये 7 नहीं है ये एल होगा आपका, यहाँ पर डायग्राम बनाई बताई गई है, आपने मेजर करना है एंगल ओ एम एल। ये आपको सब पता है, ये आपने ऑलरेडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट में किया हुआ है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुए प्रिज्म में। नेक्स्ट है आपका रेनबो कैसे बनता है, रेनबो बनता है जब सनलाइट हिट करती है वाटर ड्रॉपलेट को, जो सस्पेंडर कहाँ पे होते हैं एटमॉस्फेयर पे, और वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जब सनलाइट आती है
वो ड्रॉप पे डिस्पर्स होते हैं, तो ड्रॉप जो एक्ट करता है स्मॉल प्रिज्म की तरह, ये डिस्पर्शन जो होती है, ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट जो होती है, वो सेवरल कलर में, वाइट लाइट जो है सेवरल कलर में स्प्लिट हो जाती है, जैसा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट में होता है। ये आपको पूरी डायग्राम यहाँ पर बताएगी, ये भी आपने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24, एन एस्टिमेटेड 50 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट आर प्रोड्यूस ईच ईयर। USA ने डिस्कवर किया कि 30 मिलियन कंप्यूटर ईच ईयर और 100 मिलियन फोन जो है वो डिस्पोज ऑफ होते हैं यूरोप में, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एस्टिमेट किया कि ओनली 15 से लेकर 20% तक जो वेस्ट है वो रिसाइकल होता है, रेस्ट जो है इनमें से वो लैंडफिल्स में चला जाता है, इंसेंटर्स में चला जाता है। आपको कोई पॉसिबल रीज़न बताने हैं जनरेशन की कि वो इतने लार्ज अमाउंट में जो वेस्टेज हो रहा है वो कोई सजेस्ट कीजिए, वेस्ट से कोई रास्ता बताइए जिससे आप हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने का ई वेस्ट किस में, इन्वायरमेंट। तो इम्प्रूवमेंट जो हमारे लाइफस्टाइल में हो रही है वही हमें ले जा रही है यूज़ ऑफ ज़्यादा जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन। कंपनी जो है इसीलिए इंक्रीज़ करती है अपनी सेल और लॉन्च करती है नए नए अपग्रेडेड वर्जन जो अट्रैक्ट करते हैं बायर्स को, वो वेस्ट जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है। नया फ़ोन आया, हम अपना मतलब पुराना लग रहा है तो फेंक दो उसको, ठीक है। तो थिंक अबाउट द यूटिलिटी, यूज़ के बारे में सोच लीजिए तभी बाय कीजिए। आपके मोबाइल्स हों चाहे जो भी नए मॉडल, अगर नए मॉडल में भी सेम ही फीचर हैं को आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज फ्रेंड्स आर हैविंग सो आई शुड ऑल्सो बाय, क्योंकि फ्रेंड्स के पास है तो हमें भी ख़रीदना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपकी ज़रूरत अगर अपने फ़ोन से पूरी हो रही है, अपने लैपटॉप से पूरी हो रही है, तो आपको खरीदने की क्या ज़रूरत है। और साथ में ट्राई कीजिए यूज़ करने के लिए, री यूज़ करने के ओल्ड टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं अगर वो वर्किंग कंडीशन में हैं, ठीक है। जैसे अगर नहीं चाहते, नहीं उनको यूज़ करना चाहते तो जिसको उनकी ज़रूरत है तो उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेक्शन जो ए थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। सेक्शन बी, तो अभी हम करेंगे आपकी सेक्शन बी। इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं कुछ ड्रॉप इथनोइक एसिड की एक टेस्ट ट्यूब एक्स और वाई और जेड में, जिनमें किसी में सोडियम क्लोराइड है, किसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी में सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एक्स वाई और जेड में। अगर वो बर्निंग स्प्लिंटर ले आते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास इमिजिएटली, तो उनमें ऐड करने के बाद इथनोइक एसिड, तो उनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब का जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश नहीं होगा, ठीक है। इसका नहीं होगा, जेड का नहीं होगा, क्योंकि जेड वाले में क्या होता है, इवोल्यूशन होगी किसी कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता किसको, कंबशन को। आपको पता है कंबशन को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जब सोडियम कार्बन और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होगी, तो इसलिए वहाँ पर कंबशन नहीं होगी। नेक्स्ट 26 है, आप अबाउट 2 ml तक एसिटिक एसिड जो है वो 3HCUBQOR में लिया है, और 5 ml, 10 ml और 15 ml जो डिस्टिल्ड वाटर है वो ऐड किया इनमें। इंस्टेंटेनियसली एक क्लियर सोल्यूशन ऑब्जर्व होगा टेस्ट ट्यूब में, कौन सी में आपको बताना है, ठीक है। ये बी नहीं, ये पी है, मिस्टेक हो गई है, पी एंड क्यू ऑनली में, क्यू और आर ऑनली में, आर और पी ऑनली में, और पी क्यू आर ऑनली किस में होगा, ये वाला ऑप्शन में, पी क्यू एंड आर में, ठीक है। जब आपका इथेनोइक एसिड जो होगा वो ऐड होगा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स में, कलरलेस और ऑडरलेस गैस जो होगी वो लिब्रेट होगी, प्रोड्यूस होगी, तो गैस वाई जो है वो टर्न करेगी लाइम वाटर को मिल्क की। तो आपको बताना है सब्सटेंस एक्स कौन सा होगा, ये आपको रिएक्शन ऑलरेडी की हुई है यहाँ पे, ये होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रिएक्शन आपने की हुई है। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई कीजिए फिगर जो शो कर रही है प्रोसेस ऑफ वर्डिंग किस में, ईस्ट में, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपकी फोर्थ है, तो किस में कर रही है, आपकी थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड में नहीं कर रही। यहाँ पे भी बर्डिंग शो कर रही है, यहाँ पे भी बर्डिंग शो कर रही है, और यहाँ पे बर्डिंग, ये तो सिंगल एक ही चेन है, ठीक है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो। नेक्स्ट 29 है आपको, आप टीचर ने कहा कि स्टडी कीजिए डिफरेंट पार्ट्स किसके, एम्पायर हो किसका, ग्राम सीड का। तो आपको स्टेप दिए गए हैं फॉलो करने के लिए एक्सपेरिमेंट के, सोक कीजिए ग्राम सीड को प्लेन वाटर में, उनको पूरी रात सोख के रखिए, फिर कट कीजिए सोक्ड सीड को, ऑब्जर्व कीजिए उसके डिफरेंट पार्ट, कुछ ड्राई ग्राम सीड ले लीजिए पैटी डिश में, ड्रेन कीजिए एक्सेस वाटर में, कवर कीजिए सोक्ड सीड को वेट कॉटन ग्लास के साथ और छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। तो इनमें से कौन सी जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है।
तो जो डी पार्ट ही है इसमें, वो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कुछ ड्राई ग्राउंड सीड्स लेने हैं पैटी डिश में, नेचुरली पता है। उसके बाद उसको सोक करोगे प्लेन वाटर में और उसे पूरी रात के लिए रख दोगे। फिर उसमें और ज़्यादा वाटर डालोगे, उसके बाद कवर करेंगे सोक सीड को वेट कॉटन क्लॉथ के साथ, उसे छोड़ देंगे एक दिन के लिए। फाइनली कट करोगे सोक सीड को और ऑब्जर्व करोगे उसके पार्ट। तो ये आपको सिर्फ सीक्वेंस में बताना था इस क्वेश्चन में कि सीक्वेंस में ही कैसे होगा। 4 स्टूडेंट्स हैं, पी क्यू आर आर एस डिफरेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गन टू बी एनालॉगस। 4 लिंब ऑफ ए फ्रॉग एंड 4 लिंब ऑफ ए लिज़ार्ड, क्यू 4 लिंब ऑफ ए बर्ड एंड 4 लिंब ऑफ ए ह्यूमन। आर ने क्या ऑब्जर्व किया, विंग्स ऑफ ए पैरट एंड विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई। एस ने क्या ऑब्जर्व किया, विंग्स ऑफ ए बर्ड और विंग्स ऑफ ए बैट। 2 स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया यहाँ पे करेक्टली, ठीक है, कौन से, यहाँ पे आर और एस ने, क्योंकि ऑर्गन जो डिफरेंट होते हैं ओरिजिन में लेकिन सिमिलर होते हैं फंक्शन के, उन्हीं को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। क्योंकि इनको उन्होंने रिपोर्ट कौन से करने थे, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं यहाँ पे, ये विंग्स ऑफ ए पैरट और विंग्स ऑफ बटर। विंग्स में आ गए एनालॉगस, आपको पता है जो फंक्शन करते हैं, ठीक है, फंक्शन कौन से करते हैं, विंग्स भी तो फंक्शन करते हैं, तो इसलिए ये विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ ए बैट भी आ गया। और 4 लिंब ऑफ फ्रॉग या 4 लिंब ऑफ लेजर ये फंक्शन के पार्ट में नहीं आएंगे आपके। नेक्स्ट आपका एक स्टूडेंट फाइंड करना चाहता है फोकल लेंथ किसी कनकेव मिरर की, ठीक है, उसको दी गई है, उसका फोकस कहाँ पे है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे उसके मिरर से, तो उसे ऑब्टेन हुई शार्प इमेज। तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी, क्या नहीं होगा ऑब्जेक्ट, क्या नहीं होगा इसमें, बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है, बिल्डिंग नहीं होगी। ट्री भी हो सकती है, विंडो भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग नहीं होगी। तो बिल्डिंग वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की एक्सपेरिमेंटल सेटअप में शो की गई है, तो यहाँ पे बताना कि कितनी होगी फोकल लेंथ जो है, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपकी होगी 10-3 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट थोड़े मिसप्रिंट हैं, ये आपको मैं बाद में बता दूंगी, ये थोड़ा क्लियरली नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट आपका 33, ए स्टूडेंट ऑब्टेन इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के साथ बताना है, ठीक है, डिटरमाइन करनी है उसकी फोकल लेंथ। अगर उसने सेलेक्ट किया है वेल इल्यूमिनेटेड रेड बिल्डिंग को ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो कौन सी करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है फीचर किसके इमेज के जो बन रहे हैं। एक आपको यहाँ पे ये बताया गया, वर्चुअल इन्वर्टर डायमेंशन इमेज बनेगी रेड शेड की, रियल इरेक्ट और डायमेंशन इमेज बनेगी पिंक शेड की, रियल इन्वर्टर डायमेंशन इमेज बनेगी रेड शेड की, जहाँ वर्चुअल इरेक्ट और नॉर्थ इमेज बनेगी रेड शेड की। तो सीवा पार्ट ऑफ करेक्ट है, मेजर करने के लिए फोकल लेंथ मिरर की ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर लेना पड़ता है, इन्फिनिटी पे, इसीलिए इमेज जो फॉर्म मोरे कनकेव मिरर से वो क्या होगी, रियल इन्वर्टर और डायमेंश और रेड शेड की होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सैंपल कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड पाए, एक जो सैंपल है उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो सैंपल हार्ड है, तो आपको बताना क्यों, क्योंकि अगर हार्ड होता है तो रीज़न भी बताना है, हाँ ये हार्ड होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो प्रोवाइड होते हैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो आपके वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड। ये देखिए रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोजन प्लस सोडियम स्टीरेट, तो ये आपको बन गया स्टेरिक एसिड प्लस सोडियम के आयन। नेक्स्ट आपका, आपको कई दो प्रिकॉशन बताने हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं आइडेंटिफाई करने के टाइम पे, क्या अगर आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, एम्पायरों के पार्ट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है एडिक्वेट सीड में, तो कौन सी कंडीशन प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कंडीशन सीड जर्मिनेशन की वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, वार्म्थ और मॉइस्चर और एयर होना चाहिए, और दूसरा केयर शुड बी टेकन टू सेपरेट टू सेटलिंग्स सो दैट द एनवायरनमेंटल एक्सेस इज इंटैक्ट। ये ध्यान रखना चाहिए कि सेपरेट रखना चाहिए दो कॉटलेडन को, ताकि उनमें जो एनवायरनमेंटल एक्सेस हो वो आपको क्लियरली दिख सके, इंटैक्ट हो। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट कन्वेक्स लेंस के साथ, उसने फॉर्म की वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की, तो आपको बताने हैं पोजिशन उस ऑब्जेक्ट की और रे डायग्राम बतानी है, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी लाइट वाला चैप्टर में किया हुआ है, पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की होगी लेंस और फोकल लेंथ के बीच में होगी, लेंस एंड फोकल लेंथ किसी कन्वेक्स लेंस की। तो ये था आपका सैम्पल पेपर, इसका सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।